तो यहाँ पे हम एक जगह पे आए हैं जो कि रेफ्यूजी कैंप है ना, कास्काओ पर है। यंग लोगों का रेफ्यूजी कैंप है जो कि मिजोरम में जब लैंड डिस्प्यूट हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे आया था वो लोग ना, मिजोरम से आया है। तो हम अभी दिखा के जाते हैं, मैं तो फिलहाल राइड कर रहा हूँ तो भाई साहब पकड़ेगा एंड मैं कुछ दिखा के जाऊँगा जगह को। कुछ ऐसा है गाइस, देखो इधर थोड़ा सा ऐसे घुमाओ। हाँ, अभी इन लोगों का ऑन लैंड है ना, ये सिर्फ ऐसा कैंप ही है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया फिलहाल। अच्छा, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फिलहाल। इस विलेज में अभी ये सेक्शन वाइज है वो लोग का क्या है ना, सेक्शन सेक्शन ए सेक्शन, हम लोग सेक्शन सी तरफ जा रहे हैं। तो कितना सालों से रह रहे हो, टाइम कितना हो गया? 1999 से लेके आज 2022, मतलब 11 साल नहीं यार, 21-22 साल हो गया। 99 से है। ऐसा ही सिमिलर होगा, ऐसा ही है सब कुछ, सेम टू सेम अदर साइड में भी। ओके, जितना बताना है दोस्त, मतलब भैया जी ने ही बता दिया है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं किसी से इंटरेक्शन नहीं करूँगा और कोई भी ऐसा दिख भी नहीं रहा है ना। ये देखो कुछ ऐसा, एंड ये लोग अभी इनकम सोर्स में क्या कैसे, मतलब क्या करते हैं वो लोग अभी? रिहेबिलिटेशन जो भी फूडिंग्स है ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से राशन सभी। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। हाँ, और खुद भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं शायद? हाँ, डेली लेबर करता है, डेली लेबर करता है। तो यहाँ से थोड़ा नज़ारा दिखाता है, मतलब दिखता है यहाँ सा जो रेफ्यूजी कैंप है उसको थोड़ा दूर से, और अच्छे से दिखता है एंड ऐसा कुछ ऐसा बनाया है यहाँ पे व्यू पॉइंट जैसा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, पता नहीं गोप्रो में कैसा आ रहा होगा वो सब। देखो वहाँ से स्टार्ट होके वो पूरा ऐसा पूरा रेफ्यूजी कैंप है जो अभी अभी बोला था, तो कुछ ऐसा दिखता है दूर से। एंड अभी हम अलग जगह जाने वाले हैं, उस साइड में देखता हूँ कितना दूर जा पाते हैं हम। कौन सा जगह जा रहा था हम? बाईसम जाम्पुई, बाईसम जा रहा है हम, बाईसम बोल के कुछ जगह में जा रहा है। जाम्पुई हिल्स में पड़ता है वो? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा पार्ट देख लेता हूँ जाम्पुई हिल्स का भी, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। यही यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा हिल्स, पूरा टॉप जाता है यहाँ से होता है ना स्टार्ट। अच्छा, इतना भारी भारी सामान ले जाता है ना ये लोग। एंड कुछ ऐसा है अभी रास्ता, छोटा सा रास्ता है एंड हिली एरिया का रास्ता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, रोड साइड का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। एंड इस रास्ते से साउथ त्रिपुरा भी जा सकते हैं ना, ढालाई वगैरह टू कंचनपुर के साथ रास्ता पे जाता। अच्छा, तो गाइस आते आते हम यहाँ पे पहुँच गया अभी जाम्पुई हिल्स में। एंड ये देखो यहाँ में साइन बोर्ड है, वेलकम टू जाम्पुई हिल्स। तो अभी हम जा रहे हैं जाम्पुई हिल किस तरफ, एंड जो विलेज में हम जाएगा वो एक मीजो विलेज है ना। तो चलते हैं वहाँ पे, दिखा देते हैं, बहुत कुछ बातें करना बाकी है आगे भी, मतलब बहुत कुछ बताना बाकी है आप लोगों को। नज़ारा भी ऐसा ही थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ अभी, तो फिलहाल मैं राइडिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है बाकी मैं अच्छे से बनाता और भी, फिर भी यार अच्छा ही तो हुआ है। तो चल रहा हूँ अभी ऐसा ही, तो मिलते हैं आगे पे, बने रहेगा ब्लॉग पे।
तो गाइस ये देखो आज अभी हम म्यांमार का प्रोडक्ट खाएगा मतलब म्यांमार का कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आया था हम। ये देखो क्या है, ये मिल्क क्रोन प्रोडक्ट ऑफ म्यांमार, ये कुछ म्यांमार भाषा में कुछ लिखा है पता नहीं। अनबॉक्सिंग करता हूँ उसके बाद खा लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। मतलब यहाँ पे मिलता है अभी भी कुछ कुछ चीज़ें मिलता है, म्यांमार से आता है। क्या है ये, मिल्क का बना हुआ चिप्स, मिल्क कॉर्न। अच्छा उसे ऐसा लग रहा है, कौन ही है मिल्क कॉर्न, और एग है, और ये वाला, ये भी म्यांमार का प्रोडक्ट है, कुछ पीनट वगैरह, पीनट ऐसा कुछ लिखा है, यानी ये तो कुछ म्यांमार में लिखा है, बाकी इधर भी कुछ म्यांमार में लिखा है पता नहीं कि ये पीनट का बने हुआ है क्या। तो अभी भाई साहब चला रहे हैं, मतलब ब्रादर चला रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन करना तो चलाना तो नहीं चाहिए, फिर भी चला रहे हैं। एंड हम अभी जामपुई में है, जामपुई और भी जा रहे हैं थोड़ा आगे तक, जो कि बोल ही दिया मैंने। एंड यहाँ पे ही जामपुई पे ही जो त्रिपुरा का सबसे ज़्यादा बेटल नट प्रोड्यूस होता है, एंड यहाँ पे बागानी बागानी बेतल नट का, वो देखो ऊपर पे भी है और आगे भी है, आगे और बहुत बड़ा एक है ना, एक नहीं बहुत ज़्यादा है बहुत सारा है एक नहीं, सबसे बड़ा वाला भी आगे ही है। हाँ अच्छा ऐसा ही है, मतलब वो देखो सीधा भी सब बेतल नट का है, जम्पू हिल्स ही कम गाड़ी भी आता है। हाँ ये पूरा बेटल नट का है, पूरा फ्रूट भी है अभी भी बेटल नट भी है। और ये जो बगान वगैरह है इंडिविजुअल पर्सन का होता है ना, हम चलता है इंडिविजुअल का है, एंड ज़्यादातर ओनर कौन सा टाइप का होता है, मीजो। अच्छा यहाँ पे बहुत मीजो लोग भी रहता है, हम भी मीजो विलेज में ही जा रहे हैं, तो ज़्यादातर यह ओनर जो है वो मीजो लोग ही है। एक बगान का 20 लाख 25 लाख 30 लाख में बिकता है। ओह एक बगान का इस साल में हाईएस्ट 25 में हुआ था, 25 लाख में रिकॉर्ड में। ओह वैसा रिकॉर्ड भी रखता है ना। हाँ अच्छा यार देखो यार काश मेरा भी ऐसा बगान होता मेरा था ना, ऐसा ही मजाक कर रहे हैं, होने से तो अच्छा था। हाँ और भी अलग अलग जगह में घूम पाता फॉरेन वगैरह में ना, एक्सपेंसिव कंट्रीज है। अच्छा वाटर बॉयल पॉइंट। अच्छा अच्छा यहाँ पे ही ना हाटे, हेलो। तो यहाँ पे नहाते एंड कपड़ा वगैरह धोता है, सब कुछ करता है सब कुछ, पार्टी भी चल रहा है। और ट्रक वगैरह भी जाते हैं इस रास्ते से, छोटा सा रास्ते से। देखो ट्रक वगैरह भी ले रहा है, इस वाला रोड को यूज कर रहा है, मतलब जाता है। ईशान जाने वाला रास्ता अभी मिल गया है हमें, ये वाला। वेलकम टू भाई साहब। चलो चलते हैं, पूरा एक्साइटेड हूँ मैं तो। स्टार्ट हो गए हैं सब विलेज लोग, काफी सुंदर है ना, अलग है।
नहीं मेरा आंटी आप पुलिस स्टेशन में काम करता है, पुलिस में मेरा आंटी, यहाँ पे भी ड्यूटी आके करता है। ये चार्ज है पब्लिक चार्ज, ओ गान भी है यार, तो ओहो ये कार तो बड़ा खतरनाक कार है, देखो गाइस वहाँ पर वहाँ से जाके आप नज़ारा ले सकते हैं। हाँ हाँ चलो, ये चार से ना यहाँ का 19 तो यहाँ पे हम पहुँच गया था। अब रुको आराम से रेस्ट करो, नहीं तो पैर भी आपका वो ज़्यादा ठीक नहीं है ना, ठीक ही नहीं है। मतलब यहाँ पे पहुँच गया था मैं, हम इस विलेज में जो कि यहाँ पे सब लोग मिजो लोग ही है। फिर यहाँ पे आके मतलब त्रिपुरा जैसे नहीं लगा, ये जगह पूरा अलग लगा है एंड बॉडी स्टैंडर्ड एंड क्लीन लगा यहाँ आके, तो मतलब त्रिपुरा जैसा नहीं लगा जो भी। तो ऐसा जगह भी है त्रिपुरा में भी, अरे वो कुछ क्या रुके पता नहीं यार, बहुत सुंदर है ये त्रि तो, वाओ। एंड घर कुछ ऐसा है, लगभग हर घर कुछ ऐसा ही है, स्टैंडर्ड है TR05। वाओ यहाँ पे शायद पानी का सप्लाई आता है यार, इंटरेक्शन करने के लिए भी कोई भी नहीं है। पूरा शांति है यार यहाँ, कुछ भी शोर चलावा कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरा शांति है। पता नहीं कितने नीचे तक जाते हैं, कोई भी नहीं है बात करने के लिए भी, सब घर के अंदर भी है, कुछ काम पे गया है शायद सब। तो गाइस वो विलेज से हम वापस आ गया एंड अभी जा रहे हैं वापस घर पे। एंड यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड विलेज, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। लेकिन मैं लोकल इंटरेक्शन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ में लोग उतना थे ही नहीं, एट घर पे था। और बाद में मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तो अभी इस वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो इस तरह पूरा वो किया जाता है और भी है उधर जम्पू हिल, और जम्पू हिल और भी है और कंचनपुर भी जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग जिस रास्ते से आया था वही रास्ते से वापस चलते हैं दामचेरा पे।